जय हिंद बच्चों, कक्षा छठी की हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तिका हिंदी व्याकरण वाटिका के चौथे पाठ के दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोगों ने पहले भाग में क्या क्या पढ़ा था बच्चों, संधि पढ़ा था कि संधि किसे कहते हैं, है ना, संधि की परिभाषा पढ़ी थी। फिर ये पढ़ा था कि संधि विच्छेद किसे कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो हमको पता चला कि संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हम लोगों ने इन तीनों संधि में सबसे पहले किस संधि को पढ़ा था, स्वर संधि को, कि जहां पर स्वरों का स्वरों से मेल होता है और थोड़ा परिवर्तन होता है वहां पर स्वर संधि होती है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि स्वर संधि के भी पांच भेद होते हैं, ठीक है। संधि का पहला भेद स्वर संधि, इसके पांच भेद होते हैं। तो हमने स्वर संधि के पांच भेदों में से पहला भेद दीर्घ संधि पढ़ लिया था। फिर दीर्घ संधि के सारे मैंने आपको बोला था कि इन सब का आपको अभ्यास करना है। फिर हमने दूसरा गुण संधि भी पढ़ ली थी, ठीक है, इसका भी मैंने आप लोगों को अभ्यास करने के लिए बताया था कि आपको इसका भी निरंतर अभ्यास करते रहना, निरंतर मतलब लगातार। अब हम तीसरा स्वर संधि का जो तीसरा भेद है वृद्धि संधि, वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों आइए जानते हैं वृद्धि संधि किसे कहते हैं। जब अ और आ का मेल ए ए ओ और ओ से होता है, तो मतलब क्रमशः, देखो यहाँ पर क्रमशः लगाया मतलब क्रम के साथ, अगर अ को हम ए से जोड़ेंगे तो ए बन जाएगा, आ को ए या ए से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर अ हो जाएगा, मतलब बड़ी मात्रा आ जाएगी, बड़ी मात्रा लग जाती है, ठीक है। तो आइए, तो जहां पर अ और आ का मेल ए ए या ओ ओ से हो, ठीक है, या तो अ का मेल ए और ए से हो तब ए हो जाता है, और अगर आ का मेल ए और ए से हो तभी भी ए हो जाता है, अ का मेल अगर ओ और ओ से हो तो अ हो जाता है, और अगर आ का मेल ओ और ओ से हो तभी भी ओ हो जाता है, ठीक है। तो तब हम क्या कहते हैं, वृद्धि संधि कहते हैं। तो याद तो आप करोगे ही, आपको याद तो करना ही है, अगर आप मैंने आपसे पूछ दिया कि वृद्धि संधि किसे कहते हैं तो आप तो बता ही जाओ, बताना आपको पड़ेगा, तो आपको याद तो करना पड़ेगा, लेकिन सबसे बेटर है कि आप याद करने के साथ साथ इसका अभ्यास भी करिएगा, तभी ये क्लियर होगा, नहीं तो नहीं क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अ जोड़ ए, मतलब अ जोड़ ए होने से क्या बन जाता है, ए बन जाता है। तो देखिए इसका एक उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है, एक जोड़ एक, तो क में क्या है, अ है और ए है यहाँ पर, तो अ और ए जोड़ के क्या बनता है, ए बनता है, मतलब दो मात्राएं, ए की मात्रा लग जाती है, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक एक, क के ऊपर ए लग गया, क्या बन गया बच्चों, एक एक। लोक जोड़ एशना, तो क्या बन गया, लोकेशना। हित जोड़ एशी, तो क्या बन गया, हितैषी, जैसे हम कहते हैं ना तुम मेरे हितैषी हो, वेल विशर, तो यहाँ पर हित त में अ है और ए की मात्रा जुड़ जाती है, तो क्या बन जाता है बच्चों, हितैषी बन जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, स्वर आ में स्वर ए जोड़े तो क्या बन जाता है, ए बन जाता है। मैंने पहले ही बताया यहाँ पर कि अ या आ में ए या ए जोड़ दे तो क्या बनेगा, ए बनेगा, ठीक है, दीर्घ रूप ले लेगा। तो यहाँ पर देखिए आ में फिर ए जोड़ के देखते, पहले तो अ में ए जोड़ा तो ए ही आया, अब आ में भी ए जोड़ते हैं तो क्या होता है, ए ही आता है। जैसे सदा जोड़ एव, दा यहाँ पर आ है और एव का ए तो सदैव, तथा जोड़ एव, तथैव। अब अ में अगर ए जोड़ते हैं, मतलब ये तो ए है, अब अगर अ में ए जोड़ते तभी भी हमको क्या मिलता है बच्चों, ए ही मिलता है, ठीक है, इसका दीर्घ रूप मिलता है। तो इसमें क्या होता है, मत जोड़ ऐक्य, मतैक्य, परम जोड़ ऐश्वर्य, परमेश्वर्य, धन जोड़ ऐश्वर्य, धनेश्वर्य, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अ या आ में अगर हम ए या ए जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलता है, ए मिलता है, ठीक है। अब आ में ए जोड़ो तो ए मिलेगा, देखो आ में अगर ए जोड़ा तो महाजोर ऐश्वर्य, महेश्वर, महेश्वर्य। अ में जब अगर आप ओ जोड़ते हो, अ या आ में ओ जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, ओ, अ या आ में, अ या आ में ओ जोड़ोगे तब ओ मिलेगा। जैसे मधुर जोड़ ओदन, मधुरोदन, जल जोड़ ओद, जलोद, दंत जोड़ ओष्ट, दंतोष्ट, महाजोड़ ओज, महोज,
ठीक है, महाजोर ओजस्वी महोजस्वी, ठीक है। तो अगर अ या आ में ओ जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलता है बच्चों, ओ ओ, ठीक है, अ में या आ में ओ जोड़ने से हमको ओ मिलता है। ठीक वैसे ही अ में अगर ओ जोड़ दे या आ में अगर ओ जोड़ दे तभी भी हमको क्या मिलेगा, दोनों कंडीशन में ओ ही मिलेगा। जैसे वनजोर औषध वन औषध, परमजोर औदार्य परमौदार्य, महाजोर औषध महौषध, ठीक है, महाजोर औदार्य महौदार्य, ठीक है। यहाँ पर परमजोर औदार्य था, परमौदार्य होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा वृद्धि संधि में कि अ या आ में अगर ए या ए जोड़ दो तो क्या बन जाता है, हमको क्या मिलता है, ए मिलता है। और अगर अ या आ में हम ओ या अ जोड़ दे तो हमको क्या मिल जाता है, ओ मिल जाता है, ठीक है, हमको ओ मिल जाता है, ठीक है। ये रहा, या यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर है अ या आ में अगर हम ओ या अ जोड़ते हैं तो हमको ओ मिलता है, और अगर अ या आ में ए या ए जोड़ते हैं तो हमको ए मिलता है। तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, वृद्धि संधि कहते हैं, ठीक है। अब स्वर संधि का पांचवा चौथा भेद जो है यण संधि, इसे पढ़ेंगे। छोटी बड़ी छोटा उ बड़ा उ या री के बाद यदि अन्य असमान स्वर आ जाए तो, कोई भी स्वर असमान मतलब एक जैसे ना हो, मतलब ई के साथ ई ही ना आए, बड़ी के साथ बड़ी ई ही ना आए, कुछ और आ जाए, ठीक है, लेकिन स्वर ही आए, स्वर संधि में सिर्फ स्वर ही आते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि यण संधि उसे कहते हैं कि छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ री के बाद कोई भी स्वर आ जाए, जरूरी नहीं कि समान ही हो, तो ई का बड़ी हो, छोटी का बड़ी हो जाता है, य का ऊ बड़ा ऊ का व तथा री का र हो जाता है, ठीक है। मतलब अगर कोई भी असमान स्वर इनसे जुड़े तो क्या बन जाता है, छोटी बड़ी का य हो जाता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ का व हो जाता है तथा री का र हो जाता है, ठीक है। कोई भी असमान स्वर, ये नहीं कि समान ही स्वर, ये नहीं कि ई में और बड़ी में बड़ी या छोटी ही जुड़ रही है, नहीं, कोई भी अगर स्वर जुड़ जाए तो क्या होता है, ई और ई का य हो जाता है, बड़े ऊ छोटे ऊ का क्या हो जाता है, व हो जाता है, री का क्या हो जाता है बच्चों, र हो जाता है। तो उसे हम यण संधि कहते हैं। देखो पढ़ने से तो यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन जब तक आप इसका अभ्यास नहीं करोगे, इसको बार बार प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। जब स्कूल खुलेगी, जब मैं आपसे मिलूंगी, तो मैं आपसे पूछूंगी कि आपने किस प्रकार इसका अभ्यास किया है। जो भी बच्चा अभ्यास करेगा ना, वो फटाफट मुझे बता देगा, ठीक है। जिसने नहीं किया होगा वो भी पता चल जाएगा। तो आपको अभ्यास करना है। ई जोड़ अ, मैंने क्या बताया था, कोई भी असमान स्वर को जोड़ दीजिए ई में तो क्या बन जाएगा, य। ई में अगर या जो आ जोड़ोगे तो या, बड़ी में अ तो य, बड़ी ई में आ तो या, ठीक है, मतलब य में मात्रा लग जाती है। जैसे अति जोड़ अधिक अत्यधिक, यदि जोड़ अपि यद्यपि, अति जोड़ आवश्यक अत्यावश्यक, अति जोर आचार अत्याचार, देवी जोर अर्पण देव्य अर्पण, दासी जोर अपराध दास्य अपराध, देवी जोर आलय देव्यालय, ठीक है। यह बन गया ना, हर जगह देखिए यहाँ पर यह बन गया ना। अब दूसरी कंडीशन कि ऊ या ऊ में अगर कोई जुड़ता है तो उसका क्या बन जाता है बच्चों, अ व। अगर छोटी बड़ी में कोई असमान स्वर जुड़ा तो य बना, और छोटा ऊ बड़ा ऊ में कोई असमान स्वर जुड़ा तो क्या बनेगा, व। देखिए यहाँ पर उदाहरण देखिए, छोटे ऊ में अ अगर जुड़ता है तो सु जोड़ अच्छ सुअक्ष व हो गया, यहाँ पर ऊ में अगर आ जुड़ा सु जोड़ आगत तो क्या हो गया बच्चों, स्वागत। ऊ जोड़ ई तो क्या बना, वी, अनुजोरिति अनवती, ऊ जोड़ ए से वे, अनुजोरेशन अन्वेषण, ठीक है। तो आपको इसका अभ्यास करना होगा, बार बार अभ्यास करोगे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सारी रूल बुक तुम्हारे सामने बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, तुम अच्छे से समझ जाओगे। अब स्वर संधि का पांचवा और आखिरी भेद अयादि संधि। तो अयादि संधि को आइए समझते हैं। अयादि संधि किसे कहते हैं, जहां पर ए ए ओ और औ वर्णों का मेल अन्य असमान स्वर से हो, मतलब इसमें भी ए ए ओ औ में से 11 स्वरों में से कोई भी स्वर अगर आकर मिलता है तो स्वर क्रमशः, मतलब ए और एक एक ए के साथ जुड़ेगा तो अय आय और आव हो जाता है, तो उसे हम अयादि संधि कहते हैं। जैसे ए के साथ अ जोड़ा अय हो गया, जैसे चे जोड़ अन चयन, ए के साथ अ जोड़ा तो आय हो गया, जैसे गय जोड़ अक गायक, ठीक है,
ए के साथ ई जोड़ा तो यानी हो गया, मतलब गय जोड़ इका क्या हो गया, गय में ए ए है और इका में ई है, तो ए और ई जोड़ा तो क्या बन गया बेटे, आई गायिका। ठीक है, ओ जोड़ अ, ओ में अगर आपने अ जोड़ा तो क्या बन गया, अव, मतलब पो जोड़ अ अन पवन, ओ जोड़ ई अवि, पो जोड़ इत्र पवित्र। ठीक है, ओ में अगर उ जोड़ते हो तो आओ बनता है, जैसे औ, पौ जोड़ इक, ओ जोड़ ई तो क्या बन गया पावक, ओ में अगर छोटा उ जोड़ते हो जैसे ओ में छोटा उ जोड़ते हो तो आवू बनेगा, मतलब भौ में ओ की मात्रा और उक तो क्या बना भावुक। ठीक है, तो आपको इसका भी अभ्यास करना है, बिना अभ्यास किए अगर आप सोचोगे समझ में आए तो बिल्कुल नहीं आएगा, तो कीप प्रैक्टिसिंग। ठीक है, अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे संधि का दूसरा भेद। ठीक है, संधि का दूसरा भेद कौन सा है, व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि की स्वर संधि किसे कहते हैं, जहां स्वरों का स्वरों से परस्पर मेल होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, और व्यंजन संधि किसे कहते हैं, जहां व्यंजन का व्यंजन अथवा किसी स्वर से मेल हो और परिवर्तन उत्पन्न हो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। देखिए, स्वर संधि में क्या शर्त थी कि स्वरों का स्वरों से ही मेल होगा, लेकिन व्यंजन संधि में क्या होता है, व्यंजन का व्यंजन से भी मेल कर सकते हैं और व्यंजन का स्वर से भी मेल कर सकते हैं, और जो परिवर्तन उत्पन्न हो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण भी दिया हुआ, जैसे जगत जोड़नाथ जगरनाथ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, त जोड़ न, मतलब त और न को जोड़ा गया तो आधा ना और पूरा ना। ठीक है, नाना संयुक्त बनता है, तो यहाँ पर व्यंजन में व्यंजन जुड़ा है। यहाँ पर देखिए, दिक जोड़ अंबर, तो क व्यंजन है और अंबर का अस्वर है, तो यहाँ पर व्यंजन और स्वर जुड़ते हैं, तो यहाँ पर दिगंबर बनता है। ठीक है, इसके देखिए कुछ अन्य उदाहरण भी, जैसे उत जोड़ ज्वल उज्ज्वल, परिजोड़ छेद परिच्छेद, तत् जोड़ लीन तल्लीन, सत जोड़ चरित सतचरित, समजोड़वाद संवाद, समजोड़ सार संसार, अनुजोड़ छेद अनुच्छेद, जगत जोड़ ईश जगदीश, सत जोड़ मार्ग सन्मार्ग, उत जोड़ लेख उल्लेख, समजोड़ हार संहार, तत्जोड़ भाव तद्भव, समजोड़ देह संदेह और उत्जोड़ घाटन उद्घाटन। ठीक है, तो ये व्यंजन संधि है, इसका भी आपको जोड़ जोड़ के प्रैक्टिस करनी, जब आप इन दोनों वर्णों को जोड़ते हैं ना तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ठीक है, अब संधि का जो अंतिम भेद है, जैसे संधि के तीन भेद थे ना, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तो हमने स्वर संधि पढ़ लिया, स्वर संधि के पांच उपभेद भी पढ़ लिए, व्यंजन भी पढ़ लिया, अब अंतिम जो है विसर्ग संधि उसे पढ़ते हैं। विसर्ग की मात्रा ऐसी होती है आपको पता ही है, तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न होने वाला विकार ही विसर्ग संधि कहलाता है। जैसे दुह जोड़ बल दुर्बल, मनह जोड़ रंजन मनोरंजन, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, दुह में अह की मात्रा है पर उसमें बल जोड़ा तो दुर्बल हो गया, मतलब यहाँ पर क्या होता है, विसर्गों का मेल होके और विकार उत्पन्न होता है, वहां पर हमारा विसर्ग संधि होता है। देखिए, इसके कुछ बहुत सारे उदाहरण भी यहाँ पर दिए हुए, जैसे दुर्बल निह जोड़ाकार निराकार, निहजोर संदेह निसंदेह, निहजोर छल निश्चल, निहजोर मल निर्मल, निहजोर कपट निष्कपट, मनहजोर रथ मनोरथ, दुहजोर लभ दुर्लभ, निहजोर आशा निराशा, दुहजोर गुण दुर्गुण। ठीक है, तो ये आपके विसर्ग संधि के कुछ अन्य उदाहरण भी हैं। संधि संबंधी उपयुक्त नियम संस्कृत व्याकरण से हिंदी में लिए गए हैं। ठीक है, तो आपको अगली आगे की कक्षा में भी पता चलेगा, हायर स्टडीज में भी पता चलेगा, उच्च शिक्षा में, कि क्या होता है बच्चों, हिंदी व्याकरण में जितनी भी चीजें हम पढ़ते हैं ना, वो सभी संस्कृत से लिए गए, मतलब रचना सबसे पहले व्याकरण की संस्कृत में ही हुई थी। ठीक है, तो संधि के जितने भी नियम है वो संस्कृत व्याकरण से ही हिंदी में लिए गए हैं। हिंदी भाषा के विकास के साथ कुछ वर्णों के मिल होने पर विशेष लक्षण उत्पन्न हो गया है, जैसे सब जोड़ ही सभी, तब जोड़ ही तभी, कब जोड़ ही कभी, वह जोड़ ही वही, जब जोड़ ही जभी, अब जोड़ ही अभी, उस जोड़ ही उसी, वहां जोड़ ही वही। ठीक है, तो ये सारे जो शब्द हम आप उपयोग में लाते हो ना, तो देखो इनकी भी संधि ही हुई है, तब ये उपयोग में आए हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपका संधि पाठ समाप्त होता है, तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है, जितना अभ्यास करोगे संधि उतना क्लियर होता जाएगा। देखिए इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, पहला प्रश्न है संधि किसे कहते हैं, दूसरा संधि के प्रमुख भेद उदाहरण सहित लिखने हैं, संधि विच्छेद किसे कहते हैं उदाहरण देकर आपको बताना है, स्वर संधि किसे कहते हैं, पांचवा प्रश्न है व्यंजन संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि और व्यंजन संधि में अंतर बताने। ठीक है बच्चों, तो कुल छह प्रश्न है आपके इस पाठ में। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो यह पाठ है, चौथा पाठ जो है संधि, वह यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है बच्चों, तो आपका यहाँ पर संधि पाठ समाप्त हुआ, हमें क्या करना है, घर पर
इस पाठ को पढ़ना है, समझना है, बार बार हर संधि का हमको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। हमको अभ्यास करते रहना है, जितना अभ्यास करेंगे उतने ही हम क्या हो जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। हमें समझ में आने लगेगी कि संधि किसे कहते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ पर हमारा पाठ समाप्त होता है, फिर मिलेंगे अगले पाठ के साथ। जय हिंद बच्चों।